राधे कैसे हो सभी। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में देखने के लिए। देखिए मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आप सभी से यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। और आप सभी मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आज आपको इस ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, कैसे हमने यहाँ पर दीपावली का खाना बनाया और कैसे हम यहाँ पर पूजा करेंगे। तो मैं आप लोगों को सभी चीज दिखाऊंगी इस व्लॉग में, तो बने रहिए आप देखने के लिए। तो देखिए मैंने अठारियों को यहाँ से उतार लिया है। अभी हमने पूरी या कचौरी को नहीं बनाया है, यहाँ पर हमने सिर्फ प्रसाद को बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर खीर बन चुकी है प्रसाद के लिए। तो फ्रेंड देखिए, जरूर बताना कमेंट करके किस किस के यहाँ पर दीपावली पर इस तरीके का खाना बनता है और किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, वो भी जरूर शेयर करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेथी स्टिफिन के अंदर मेथी को मैंने यहाँ से देखिए यहाँ पर उबाल लिया था आलूओं के साथ। तो यहाँ पर हमारी मेथी और आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ करीब से। आलू यहाँ से चटक गया है, तो उसके बाद में देखिए आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आलू यहाँ से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसकी हमें यहाँ पर कचौरी और सब्जी बनानी है। तो फ्रेंड्स वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी, तो मैं अभी आपको दिखा दूं। यहाँ से देखिए जो हमारी मेथी है बहुत ही अच्छे से यहाँ से पक चुकी है, इसे यहाँ पर पक चुके हैं, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स इसमें पानी आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, यहाँ से आपको ऐसे ही से छोड़ देना है। इसके पानी को निकाल कर ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। अब हम चलते हैं पूजा घर में। तो हमने यहाँ से पूजा घर में आ चुके हैं और देखिए बर्तनों को भर लिया है। हमारे यहाँ पर दीपावली पर 7 बर्तन भरकर पूजते हैं, तो उनकी मैंने देखी यहाँ पर बंटा और कुछ यहाँ पर मटके लिए हैं जो मैंने भर लिए हैं। और यहाँ पर हम जोत जलाएंगे, जो अठावरी उन्हें मैं ले आई हूँ। और यहाँ से देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं आपको दर्शन करवा दूं अपने मंदिर में बैठे हुए कान्हा जी से। तो यहाँ पर कान्हा जी के दर्शन भी आप लोगों ने कर लिए हैं। मैं आ चुकी हूँ रसोई में और रसोई के अंदर आ चुकी हूँ। देखिए आलू जो है वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए फोन को थोड़ा साइड में रख दिया था, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से यहाँ से दिखाई दे। अब मैं क्या करूंगी, आलू को यहाँ से छील लूंगी, सभी आलू को यहाँ से छील लेना है, उससे पहले ढक्कन को रख देंगे साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स मुझे जरूर बताना कमेंट करके किस किस के यहाँ पर दीपावली पूजन इस तरीके से होता है। हमारे यहाँ पर इस तरीके से होता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और ये आ चुकी है मेरी बेटी, जो यहाँ से खाली बर्तन मुझे देकर चली गई है। मैं इसमें रखूंगी आलू, क्योंकि आलू थोड़ा सा गर्म है, उसे हमें बिल्कुल ठंडा करना है। फ्रेंड्स इन आलूओं से मुझे दो चीज बनानी है, एक तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी मेथी के कचौरियां और मुझे बनानी है आलू टमाटर की सब्जी। तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उससे पहले हम आलू को अच्छे से यहाँ से छील लेंगे। और जो बेटी है वो मेरी, वो कुछ बोल रही थी तो उसका जवाब मैं दे रही थी साइड में, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने आलू को लिया है छील। तो देखिए आलू हमने अच्छे से छील लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो कटे हुए आलू से भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं आप। तो देखिए मैंने यहाँ से उबले हुए आलू से इसे बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आलू को छील लेना है, जो भी आलू ने उसके छिलके को उतार लेना है। लेकिन आलू में आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप लोग ठंडा पानी डालेंगे आलू के अंदर तो ये जो आलू की सब्जी है ये अच्छी नहीं बन पाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से देखिए आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है आलू के अंदर। आलू को ऐसे ही ठंडा करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छे से आलू ठंडे हो जाते हैं। आलू और मेथी हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था, उसके बाद में मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए अब जो हमारा आटा लगा हुआ था उसकी हमने यहाँ से लोई तोड़ ली है। और यहाँ पर जो हमारा कुकर है उसके अंदर देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा जीरा डालकर थोड़ा सा यहाँ पर टमाटर डाल लिया और थोड़े से अब मसाले ऐड कर देंगे। जो भी रेगुलर मसाले आप ऐड करते हैं अपनी सब्जियों में उसे ही ऐड करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी मैं यहाँ पर इस रेसिपी को बनाकर तैयार करूंगी, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं प्रसाद के लिए। तो फ्रेंड देखिए घर में जो भी आज खाएंगे तो वो इसी रेसिपी को खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर लहसुन प्याज का नहीं बनता है दीपावली पर। तो देखिए मैंने इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, बिना लहसुन प्याज के मैं यहाँ पर इस रेसिपी को बनाकर तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स हम अब क्या करेंगे, आलू को देखिए पानी के अंदर इस तरीके से तोड़ देंगे। कोई भी आलू अगर गर्म है तो वो देखिए पानी के अंदर जाने के बाद में यहाँ से ठंडा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 से 5 आलू इस पानी के अंदर तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टमाटर को चेक करने के बाद में आलू को इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर देना। फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी आपकी रेसिपी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो बाकी आलू बचे हुए हैं उनका हमें क्या करना है। तो वो हमने यहाँ से ले लिए आलू ठंडा होने के बाद में, और हमने वही रेगुलर मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं जो हम यहाँ पर सब्जी में ऐड कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया है, और इन्हें ऐड करने के बाद में मैंने इसे रख दिया साइड में। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरियां।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पहले पूरियों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ से मैं सभी पूरियों को बनाकर तैयार करूंगी। देखिए कितना समय लगा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाना बन चुका है पूजा के लिए और अब आ चुके हैं हम खेत पर। यहाँ पर ट्यूबवेल लगी हुई है और ये देखिए सब्जी यहाँ पर ही उगती है। तो यहाँ पर काफी सब्जी अभी बुई हुई है। हमने यहाँ से फूल तोड़े और फूल तोड़ने के बाद में हम चलते हैं जहाँ पर हमें देवता की पूजा करनी है। तो हम वहां पर जाकर पूजा करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए हम आ चुके हैं उस खेत पर जहाँ पर हम पूजा करनी है। तो ये वही प्लॉट है जिसमें मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो इसके पास में ये खेत है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम आ चुके हैं देवता पर। तो ये देख सकते हैं आप, पीछे धान की खेती हो रही है और यहाँ पर बैठे हमारे देवता जी जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सिस्टर है जो यहाँ पर पूजा कर रही है। हम दोनों सिस्टर यहाँ पर पूजा करने के लिए आ चुके हैं और ये हमारे बच्चे जो बहुत ही यहाँ पर देखिए मस्ती कट रहे हैं। तो मस्ती यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काट रहे हैं ये। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं पूजा मेरी हो चुकी है, सिस्टर पूजा कर रही है और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कितनी मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बाल्टी रखी हुई है इनमें हम लाए थे देवताओं के लिए नहाने के लिए पानी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज का व्लॉग था मेरा जिसमें मैंने आपको काफी कुछ दिखाया, कैसे हमने मस्ती की और खाना किस तरीके से बनाया, किस तरीके से पूजा की। मैंने आप लोगों के साथ ये सभी शेयर किया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे देवता हैं देख सकते हैं, उनके पास में हमने यहाँ पर बनाई है बहुत ही सिंपल सी रंगोली। और रंगोली बनाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी के अंदर खड़े हुए हैं बच्चे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भी खेत के अंदर भरा हुआ है, ज्यादा यहाँ से देख सकते हैं आप, सूखा खेत नहीं है। तो बच्चे उस वजह से इसके अंदर देखिए इस तरीके से चप्पलों को कर रहे हैं गंदा। तो देख सकते हैं आप, कपड़े भी इनने बहुत ज्यादा गंदे कर लिए हैं। तो चलो देखते हैं घर जाकर। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये देवता के जो पीछे वाला खेत है उसके अंदर मूंजी यहाँ पर बुई हुई है। अब आ चुके हैं हम यहाँ पर खेत पर। तो यहाँ से छोटी बहन कुछ सब्जियां तोड़ रही है और सब्जियों को तोड़ने के बाद में हम चलते हैं घर की तरफ। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ हमें घर की तरफ जाने में कितना समय लगा। तो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। अब हम गाड़ी में बैठे और चल दिए घर की तरफ। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे घर की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जरूर बताइए मुझे कमेंट करके आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बच्चे के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका पापा भी आया था जो गाड़ी चला के लाए थे। तो हम सभी गाड़ी में बैठकर यहाँ पर 5 मिनट के अंदर घर पर आ चुके हैं। उसके पास में, घर के पास में यहाँ पर ये मंदिर है जहाँ पर हम करेंगे पूजा। तो ये देख सकते हैं आप, शिव मंदिर है जिसमें हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो दोनों बहन हम यहाँ से पूजा कर रहे हैं और जो हमारा बेटा है वो यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूजा हमने इस तरीके से करी भगवानों की। तो यहाँ पर कई मूर्तियां हैं, मैं अभी आपको दर्शन करवाऊंगी। यहाँ पर माता रानी की मूर्ति भी है और ये यहाँ पर देख सकते हैं मोहन बाबा की मंदिर है जिसमें हम आए थे। और ये बच्चों ने फूलझड़ियां और कुछ पटाखे यहाँ पर खरीदे, पास में ही दुकान थी उससे ही हमने यहाँ पर देखिए ये पटाखे खरीदे। और खरीदने के बाद में फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ने खूब सारी मस्ती करी इस ब्लॉग के अंदर। तो आप लोग जरूर बताना कमेंट करके आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। फ्रेंड जरूर बताना।